अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 सॉलिड पोर्शन को स्टडी करेंगे। सॉलिड्स क्या हैं? ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जो रिजिड होती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं करते। और आपके पास सॉलिड्स की अगर हम फॉर्म देखें तो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं और ये क्लासिफिकेशन रेगुलरिटी ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पर की गई है कि अरेंजमेंट कैसा है पार्टिकल्स का किसी भी सॉलिड के अंदर। तो एक होते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकेंड होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं जिसमें एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स, इनका रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं NaCl या डायमंड, जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। इसके बरक्स सेकेंड कैटेगरी है अमॉर्फस सॉलिड्स की, ऐसे सॉलिड्स जिसमें एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रखते, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती, उन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। तो इन्हें सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसकी खास तरतीब ना हो। प्रॉपर्टीज़ के अतबार से देखा जाए तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है रैंडम है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी कुछ हद तक अरेंजमेंट मिलेगी आपको, जैसे लीगर्स में टोटल अरेंजमेंट नहीं होती, कुछ एरियाज होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, ये इनमें भी देखने को मिलती है जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। और इसमें हम रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं देखते, दे डोंट पोजेस द रेपिटेटिव स्ट्रक्चर कि बार बार वही चेन रिपीट हो रही है। ये हार्डनेस भी है, इलास्टिसिटी भी होती है इन सॉलिड्स में, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसकी वजह अगेन पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंज ना होना है। ग्लास की बात करें तो ग्लास सॉफन हो जाता है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसे डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट सांचों में डालने के बाद जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपके पास इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोडो सॉलिड्स की, ग्लास। इसके अलावा इनके हवाले से बात की जाए तो ये इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रखते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन वो पॉइंट होता है जिसमें आप किसी सॉलिड को मेल्ट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो दैट इज़ फ्यूजन। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं अमॉर्फस सॉलिड्स में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ग्लू। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमने देखनी है। क्रिस्टलाइट्स अमॉर्फस सॉलिड्स में क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर एब्सेंट होता है, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिलता है, अमॉर्फस सॉलिड्स में कुछ हद तक ही ऑर्डर होता है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हम देखते हैं सॉलिड्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, जो जहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट है यानी ऑर्डर्ड एरियाज़ हैं किसी भी क्रिस्टल में, उसे हम अमॉर्फस सॉलिड्स के बात हम कर रहे हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड में जो कुछ हद तक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है वो क्रिस्टलाइट्स कहलाती हैं, वो एरियाज़ क्रिस्टलाइट्स कहलाते हैं। एक सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स हमारे पास कैसे बनते हैं? बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप चेंज करके अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं और फिर उसके पिघले हुए जो सॉल्यूशन को रैपिडली कूल किया जाता है, तो इस दौरान पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिलता कि वो अरेंज हो सकें। तो इस लिहाज से जो अब हमारे पास न्यू सॉलिड हम हासिल करेंगे, दैट इज़ दी इन दैट सॉलिड आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा और शेप भी होगी, लेकिन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगी। तो इस बुनियाद पर आप ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो अमॉर्फस में कन्वर्ट हो गया है विद दैट प्रॉपर्टीज़, उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। अब आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, ये वही पॉइंट्स हैं कंपैरिजन में दिए हुए हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसमें रेगुलर रेपिटेटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। इनका जो क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी डेफिनेट है, इधर इनडेफिनेट होता है। ये सारा बिहेवियर पार्टिकल्स की वजह से है और ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और जबकि ये आइसोट्रोपिक होते हैं और लिक्विड से रिजेंबल करते हैं। आइसोट्रोपिक के बारे में आपने लास्ट टाइम पढ़ा कि अगर क्रिस्टल को किसी भी एंगल से रोटेट किया जाए तो अगर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी दिखें तो वो आइसोट्रोपिक है, और अगर डिफरेंट हो तो एन आइसोट्रोपिक। इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और इन्हें हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है NaCl, डायमंड और KCl, और इसमें एग्जाम्पल आती है ग्लास और रबर की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट सेल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस शोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा पार्ट जो तमाम क्रिस्टल के फीचर शो करे, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी हर यूनिट सेल आपको पूरे क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन देगा।
यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, हम इसी से जुड़े हुए पॉइंट्स सब देखेंगे। एक यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करना है, स्टडी करना है, तो उसको उसके फेसेस की लेंथ को जज करना होगा, यानी फेसेस कहते हैं साइड्स को। तो यूनिट सेल यानी आप ये देखें एक, पीछे वाली दो, फिर ये तीन, चार, पाँच, छः। अगर आप एक कमरे में हैं तो आप कमरे के ऊपर और नीचे, सामने और पीछे और साइड वाली दोनों तरफ को गिने तो आपको ये छः फेसेस मिलेंगे। तो इसी तरह एंगल्स होते हैं उन फेसेस के दरमियान, जो आप देख सकते हैं कि हर फेस के दरमियान एक एंगल बना हुआ है, जिन्हें यूनिट सेल एंगल्स कहते हैं। तो इससे आप किसी यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। टोटल हमारे किसी क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल लेंथ्स होती हैं, जिन्हें ए बी सी से डिनोट किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर बी और जेड एक्सिस पर सी। और इसी तरह 3 यूनिट सेल एंगल्स होते हैं, जिन्हें अल्फ़ा, बीटा और गैमा से डिनोट किया जाता है। ए और सी के दरमियान बीटा है, बी और सी के दरमियान अल्फ़ा है, और बी और ए के दरमियान गैमा है। तो इस तरह से ये आप एंगल्स यहाँ पर जस्टिफाई होते हैं। ये 6 के 6 पैरामीटर्स जो यूनिट सेल के हैं और उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसे हम यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इंपॉर्टेंस हमारे पास यूनिट सेल की अगर देखी जाए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें क्रिस्टल की मिलती है किसी भी यूनिट सेल से। और अगर आप यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो आपको पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यूनिट सेल की रेपिटेशन से ही स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर क्रिस्टल सिस्टम की बात की जाए तो देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, जिनमें लेंथ्स और फेसेस आपके पास या एंगल्स का फ़र्क है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास इन टोटल हैं। क्रिस्टल सिस्टम लैटिस क्या होता है? इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3-डायमेंशनल स्पेस। कि एक 3-डायमेंशनल स्पेस में जो भी मुतलिका पार्टिकल्स हैं, हाँ वो एटम हैं, आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी क्रिस्टल के, तो उनकी जो अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हर क्रिस्टल में पार्टिकल्स की एक डेफिनेट पोजीशन होती है और उन्हें पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। उन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहते हैं। और 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल, इन्हीं पॉइंट्स की जो 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको आप क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट एक क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम NaCl का, जिसमें डिफरेंट जगहों पर पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स की पोजीशंस को हम लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहेंगे, और ओवरऑल इसको हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आता है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स हुज शेप्स आर बिल्ट अप बाय वन ऑफ द टाइप ऑफ द यूनिट सेल्स, उन्हें हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। हमारे पास ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स हैं जो आपको एक ही तरह के यूनिट सेल से मिलकर बनते हुए दिखाई देंगे, उन्हें हम क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं। और इन टोटल हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं। इसमें आपके पास आ जाता है पहला सिस्टम क्यूबिक। आपने बेसिकली ये राइट साइड पर आप एक टेबल देख सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम का, जिसमें पहला कॉलम है क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड में एक्सेस हैं, थर्ड में एंगल्स हैं, फोर्थ में उनकी एग्जांपल्स हैं। आप इसी टेबल को देखें तो आप ये सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इनकी डायग्राम्स को भी देख सकेंगे। फर्स्ट है जी क्यूबिक सिस्टम। लेट्स सी, क्यूबिक सिस्टम में अगर आप देखें तो तमाम एक्सेस और तमाम एंगल्स, यानी एक्सेस के मुराद है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, तमाम साइड्स बराबर हैं, तमाम एंगल्स आपके पास इक्वल हैं यानी 90 के बराबर हैं, तो ये हमारा क्यूबिक सिस्टम होगा। इसमें फॉल करने वाली एग्जांपल्स में जो हैं आप देख सकते हैं टेबल से भी यही वही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, NaCl है, NaBr है या डायमंड है, तो ये इसका आपके पास देख रहे हैं आप डायग्राम। सेकेंड में आपके पास आता है जी टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, तो एक साइड का फ़र्क है लेकिन एंगल सब बराबर हैं और 90 के इक्वल हैं। एग्जांपल्स उसमें आ रही हैं स्टैनिक है, स्टैनिक ऑक्साइड है, मैगनीज ऑक्साइड है और अमोनियम ब्रोमाइड है। थर्ड हमारे पास है दैट इज़ दी ऑर्थोरम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरम्बिक सिस्टम में तमाम साइड्स जो हैं आपको अनइक्वल मिलेंगी और एंगल्स फिर भी इक्वल मिलेंगे, और इसमें एग्जांपल्स आती हैं आयोडीन, रोम्बिक सल्फर, पोटाशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, वहाँ आपको लाइंस में मिलेंगी। तो इस तरह से वही पॉइंट्स आप जस्टिफाई टेबल को स्टडी करें तो आपके सारे पॉइंट्स साथ कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी ट्राइगोनल या ऑर्थोरोम्बोहेड्रल सिस्टम। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल सिस्टम की बात करें तो इसमें साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन एंगल्स में आप फ़र्क देखेंगे कि जो एंगल्स हैं वो 90 से 120 के दरमियान लाए करते हैं। ये देखें ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120 के दरमियान फॉल करेंगे, जो गैमा का आपके पास सेटअप होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। इसमें बिस्मथ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें से 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं जबकि सी इक्वल नहीं है। 2 एंगल्स 90 के हैं और 3rd एंगल 120 का है, गैमा 120 का है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हेक्सागोनल 6 साइड्स वाला एक सिस्टम और इसमें ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, आइस, जिंक और कैडमियम आ जाते हैं। मोनोक्लोनिक सिस्टम की बात करें तो तमाम साइड्स अनइक्वल हैं,
कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और दो एंगल्स 90 के इक्वल हैं, और थर्ड वन ग्रेटर देन 90 है जो कि बीटा है, बीटा ग्रेटर देन 90 है। उसमें शुगर की एग्जांपल है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, सोडियम सल्फेट है, बोरेक्स है, ये आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में तमाम ही तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स अनइक्वल हैं। उसमें ऑर्थोबोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और विद फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट की एग्जांपल आती है जो इस सिस्टम के साथ है, जिसमें कुछ भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स का फ़र्क किस बात की बुनियाद पर है? फेसेस और एंगल्स की बुनियाद पर। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है जी ज्योमेट्रिकल शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं डेफिनेट रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रखते हैं, और हर क्रिस्टल में डेफिनेट फेसेस हैं यानी साइड्स, और डेफिनेट एंगल्स होते हैं जिन्हें इंटरफेशियल एंगल्स कहा जाता है। इंटरफेशियल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहाँ पर दो सर्फेसिस मीट करती हैं, तो उनके दरम्यान जो एंगल बनता है उसे हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। तो जो मर्जी आपके पास क्रिस्टल किसी भी शेप में ग्रो करे, उसके फेसेस और एंगल्स चेंज नहीं होते, चाहे आप उसे ग्राउंड करके फाइन पाउडर में क्यों ना कन्वर्ट कर ले। तो ये फीचर, पहला फीचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। सेकंड ये है, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट होता है, और आप उसी से इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी ये रखते हैं, तो उसी पॉइंट पर ये आकर मेल्ट होंगे, फ्यूज़ होंगे। थर्ड है जी क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, कि ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इसका क्लीवेज। क्लीवेज वो आपके पास फिनोमेना है जिसमें आप किसी क्रिस्टल पर प्रेशर लगाते हैं और वो टूट कर उसी जैसे छोटे आइडेंटिकल क्रिस्टल्स बना दे, तो उसे हम कहते हैं क्लीवेज यानी ब्रेक करना। और द प्लेन इन विच अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। और जिस प्लेन पर रखकर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्रिस्टल है ब्रेक होकर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। आप क्रिस्टल को हर पॉइंट से ब्रेक नहीं कर सकते, हर क्रिस्टल में खास प्लेन्स मौजूद हैं जिस पर आप प्रेशर अप्लाई करें तो वो आसानी से टूटकर आइडेंटिकल यूनिट्स बनाएगा, उसे हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। और क्लीवेज प्लेन इंक्लाइंड होता है एक पार्टिकुलर एंगल के साथ एक किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और ये डिफरेंट सॉलिड्स में ये एंगल बदलता रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एन आइसोटोपी सम ऑफ, ये भी हमने कुछ थोड़ा सा इसका पॉइंट पढ़ा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। यानी जो क्रिस्टल्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज शो करते हैं डायरेक्शन के तब्दील होने से, उन्हें हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, और उस फिनोमेना को एन आइसोट्रोपी कहते हैं। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है वो एन आइसोट्रोप कहलाता है। क्रिस्टल आपके पास ये फिनोमेना शो करते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसीलिए वो ये फिनोमेना शो करते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो उसमें आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तमाम एन आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं। अगर ग्रेफाइट की आप बात करें तो इसकी कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को देखा जाए तो ये एक डायरेक्शन में बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि ग्रेफाइट में अगर हम देखें तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कैन मूव इजीली पैरेलल टू इट्स लेयर्स। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पैरेलल लेयर्स पर मुश्तमिल होता है इस तरह से। तो आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अगर उसी अरेंजमेंट में से शो किया जाए तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाएंगे, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर रख देंगे तो परपेंडिकुलर में क्योंकि आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स की, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुमकिन है जो पैरेलल डायरेक्शन है। तो क्लीवेज भी अगर हम बात करें तो ये भी एक आइसोटोपिक बिहेवियर है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्लेन से ही क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी इसके बरक्स एक फीचर है जो आपके पास डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, उन्हें हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। द सब्सटेंस हुज पोजेस आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कल उसे आइसोट्रोप कहेंगे। तो व्हाट आर आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस या व्हाट आर एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ सिमेट्री। सिमेट्री वैसे भी नाम से ही जाहिर होता है किसी चीज़ की रेपिटेशन। अब रेपिटेशन क्रिस्टल में किस चीज़ की हो सकती है? फेसेस की होती है, एंगल्स की होती है, एजेस की होती है। जब आप क्रिस्टल को 360 एंगल के साथ उसके अपने ही एक्सिस में रोटेट करते हैं तो आपको वही फेसेस, एंगल्स और एजेस रिपीट होते नज़र आते हैं, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो कुछ सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री हैं जो इसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन सिमेट्री, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, तो आप डिफाइन करने के साथ इनके तीनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है जी हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि एक क्रिस्टल की ग्रो करने की नेचर क्या है, कि किस शेप में वो ग्रो करेगा, वो क्रिस्टल की हैबिट कहलाती है। लाइक NaCl के सोल्यूशन को आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करें तो ये क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाएगा, क्योंकि ये उसकी हैबिटेट है। लेकिन ये हैबिटेट बदली भी जा सकती है। मोस्टली जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो हम उन्हें कूल करते हैं और स्लो कूलिंग दी जाती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की ग्रोइंग कंडीशंस दे रहे हैं। और अगर आप खास कंडीशंस में शेप ऑफ क्रिस्टल, अगर आप खास कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर कंडीशंस चेंज हो गई तो शेप ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो जाएगी। लाइक अभी हमने कहा कि NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक होता है, तो ये नीडल लाइक भी बन जाता है जब इसमें 10% यूरिया आप एज एन इम्प्योरिटी इसके सोल्यूशन में ऐड करते हैं, और जब फिर ये ठंडा होगा तो ये क्यूबिक की बजाय आपके पास नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाएगा। तो दैट इज़ दी हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, कि आपने उसको ग्रोइंग कंडीशन चेंज करके चेंज कर दिया। नाउ कम्स दी फिनोमेना ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसो कहते हैं सेम को, मॉर्फिज्म यानी फॉर्म, यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस एक ही क्रिस्टलाइन हालत में पाए जाएँ, उन्हें हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को आइसोमॉर्फ कहा जाता है एक दूसरे का, और ये फिजिकली तो डिफरेंट आपके पास डिफरेंट होते हैं, फिजिकली भी और केमिकली भी। तो फार्मूला देखा जाए तो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस का तो ये जनरली सेम रेशियो ऑफ देयर एटम्स रखता है, यानी आप दोनों जिस पेयर को आप आपस में एक दूसरे का आइसोमॉर्फ मानेंगे वो आपस में सेम रेशियो रखेगा एटम्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा है, और ये केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, वे ऑफ कॉम्बिनेशन प्लस साइज। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस की बात अगर करें तो ये क्रिस्टलाइज करते हैं तमाम प्रोपोर्शंस में और इन अ होमोजेनाइज मिक्सचर। तो ये आप देख सकते हैं टेबल है जिसमें दो दो पेयर्स हैं, यानी हमने भी देखा कि डेफिनेशन के मुताबिक दो डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब आप पहले ही केस को देख लें तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बोहेड्रल है, जो ये इंडिकेट करी है कि ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, और ये आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो कर रहे हैं, और दोनों की एटॉमिक रेशो भी सेम है। ये एटॉमिक रेशो आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसमें तीन एटम्स हैं, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो अब इनकी रेशो देखें तो एक ही सोडियम है, एक नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन है, तो हमने 1:1:3 एटॉमिक रेशो यहाँ कंसिडर की। पोटाशियम नाइट्रेट में भी यही है, 1:1:3। तो ये आपके पास डिफरेंट आइसोमॉर्फ्स जो हैं एटॉमिक रेशो सेम रखते हैं, जिनकी वजह से उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी है। इस तरह आपके पास पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट है, जो ऑर्थोरहम्बिक हैं 2-1-4 के साथ, यानी 2 पोटाशियम, 1 सल्फर और ऑक्सीजन के 4। इसमें भी 2 पोटाशियम, 1 क्रोमियम और ऑक्सीजन के 4। चाहे एटम कोई भी हो, नेचर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो अगर सेम है तो उनकी जो है शेप सेम होगी। जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट भी ऑर्थोरहम्बिक है 1-1-4 रेशियो के साथ। NaF में दो एटम्स हैं तो दोनों की 1-1 रेशो है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी दोनों की 1-1 रेशो है, तो ये क्यूबिक सिस्टम बना रहे हैं। कॉपर और सिल्वर भी क्यूबिक सिस्टम बना रहे हैं 1-1 की रेशो के साथ, और जिंक और कैडमियम भी 1-1 की रेशो रख रहे हैं और हेक्सागोनल शेप एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तो हम सिंपल कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, और हमने फिर कुछ एलिमेंट्स भी देखे, तो एलिमेंट्स भी ये शो करते हैं फिनोमेना और कंपाउंड्स भी। आयंस की बात करें तो नेगेटिव आयंस लाइक नाइट्रेट लें और कार्बोनेट लें, तो इसमें नाइट्रोजन 1 है रेशो और ऑक्सीजन की रेशो 3 है, कार्बन की रेशो 1 है, ऑक्सीजन की रेशो 3 है। तो अगर आप रेशो देखें इसमें तो 1:3, दोनों की एटॉमिक रेशो सेम है, तो हम इस इनकी शेप को सेम देखेंगे, लाइक दोनों ही ट्रायंगुलर प्लेनर शेप देते हैं। इस तरह सल्फेट और क्रोमेट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी सेम होता है, दोनों ही टेट्राहेड्रल बनाते हैं, क्योंकि दोनों में 1:4 एटम्स पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका फिनोमेना सेम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट में पॉलीमॉर्फ। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म और गिव टू एग्जांपल्स, तो कोई भी दो एग्जांपल्स आप पूरी प्रॉपर लिखेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बताएंगे, एटॉमिक रेशो भी लिखेंगे, चाहे आयंस की सूरत में बता दें चाहे इस तरह बता दें। सेकेंडली हमारे पास जो एक और प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा फिनोमेना जिसमें कंपाउंड की बात हो रही है, एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वायर कर सकता है, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन हालत रखता है उसे पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, यानी पॉली मीन मैनी, मॉर्फिक मीन मॉर्फिज्म मीन फॉर्म। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस, उन्हें हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे एक दूसरे की। अब पॉलीमॉर्फ्स हमारे पास उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी, क्योंकि एक ही की डिफरेंट हालतें हैं, जो फिजिकली तो डिफरेंट होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में फ़र्क आ रहा है पार्टिकल्स के,
लाइक सिल्वर नाइट्रेट है, ये एग्जिस्ट करता है रोम्बोहेड्रल में भी और ऑर्थोरोम्बिक में भी। सिर्फ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के चेंज होने से दोनों शेप्स डेवलप हो रही हैं। एक ही कंपाउंड दो एक से ज़्यादा हालतों में है, तो इसीलिए ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है और ये दोनों शेप्स एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसी तरह ट्राइगोनल और ऑर्थोरम्बिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में आपसे दोनों आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क भी पूछा जा सकता है, जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, या आपने फ़र्क देख लेना है। ये सेम ही कॉम्बिनेशन हैं जो हमने स्टडी किए, या आपसे डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म या डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद टू एग्जाम्पल्स वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आपके पास बेसिकली ऐसा फिनोमेना है जो एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है, यानी अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म रखे तो दैट फिनोमेना इज़ एलोट्रॉपी। तो आप अभी आप देख सकते हैं कि आपने जो कंपाउंड की एक से ज़्यादा हालत देखी है वो फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म रख रहा है तो दैट इज़ एलोट्रॉपी। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट आपस में क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स। लाइक कार्बन आपके पास ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और डायमंड की फॉर्म में भी। डायमंड की फॉर्म में ये क्यूबिक है और ग्रेफाइट की फॉर्म में ये हेक्सागोनल है। सल्फर रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है। टिन जो है वो आपके पास ग्रे टिन भी होता है जो क्यूबिक है, और वाइट टिन भी होता है जो टेट्रागोनल है। तो इसमें भी कंपैरिजन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये कंपाउंड का फिनोमेना है और वो एलिमेंट का फिनोमेना है। तो फिर आप साथ दो दो एग्जाम्पल्स मस्ट मैंशन करेंगे इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस टू पॉइंट्स। लास्ट है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी सेम सब्सटेंस की एक दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हों और वो इक्विलिब्रियम गेन करें, उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। लाइक हम सल्फर की बात करें तो रोम्बिक सल्फर जो है और सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म, ये आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं इक्विलिब्रियम बनाकर, और वो टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस टेम्परेचर पर आपको दोनों हालतें मिलेंगी, लेकिन इस टेम्परेचर से नीचे आपको सल्फर रोम्बिक में मिलेगा और इससे ऊपर सल्फर जो है मोनोक्लिनिक में मिलेगा। तो बेसिकली टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर होती हैं वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। इस तरह ग्रे टिन क्यूबिक से टेट्रागोनल वाइट टिन में कन्वर्ट होता है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पोटाशियम नाइट्रेट ऑर्थोरम्बिक से रोम्बोहेड्रल में 128 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 128 है। एंड सोडियम सल्फेट और 10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए 10 के 10, जो 32.38 है। इसी तरह इस सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, इसका भी आपके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, तो ये लोअर हो गया, हायर हाइड्रेटेड फॉर्म से लोअर में कन्वर्ट हो गया विद 3 मॉलिक्यूल्स जो सेपरेट हो गए। ये इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ऑब्जेक्टिव में ट्रांजिशन टेम्परेचर आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टेम्परेचर पर आपको सिर्फ एक ही वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अदर अबव एंड बिलो दिस फॉर्म, आपको एक ही फॉर्म मिलेगी, यानी इससे ऊपर या इससे नीचे एक फॉर्म मिलेगी, इस पर आपको दोनों मिलेंगी। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी क्रिस्टल के मेल्टिंग पॉइंट से ट्रांजिशन टेम्परेचर लेस ही होता है। तो ये आपके सॉलिड पोर्शन से टॉपिक्स हैं जो आपने स्टडी करने थे। हमारा सॉलिड पोर्शन भी वाइंड अप हो गया है। एक्सरसाइज के कुछ रेलिवेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने साथ करने हैं वो आप देखेंगे। लाइक MCQs में अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें स्मॉल रीजन्स होते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के, ये डी ऑप्शन आएगा। थर्ड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है ये, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाएगा, बी ऑप्शन। ये वाला आप मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का ऑप्शन होगा, ये ए बी के बाद ये सी बनेगा, तो सी देख लें इसको, आपने बस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का नेम याद रखना है। फोर्थ में है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड, तो आपने बेस्ट एग्जांपल पढ़ी थी ग्लास, तो ये आपके पास MCQs हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर सॉलिड्स, गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, अभी आपने रिसेंटली देखा, क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपने वन बाय वन पढ़े हैं, वही आप पढ़ेंगे और साथ एग्जांपल्स देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं एग्जांपल्स बताएं, तो ये आपने क्वेश्चन भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, यूनिट सेल क्या होता है, डायमेंशन क्या होती हैं, और किस तरह क्रिस्टल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया ऑफ क्रिस्टल देता है, तो ये आपने अभी क्रिस्टल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन में और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल डायमेंशन पढ़े हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। बी पार्ट में है जी, एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ड्रॉ द शेप्स ऑफ देयर यूनिट सेल्स, तो आपने ये प्रैक्टिस करने हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और उनकी शेप्स, और वो टेबल भी आपने लर्न आउट करना है। नेक्स्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से जो पार्ट्स हैं सिर्फ वो आपने करने हैं, दैट इज़ दी 6 के अमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड है, क्योंकि जो ट्रू सॉलिड होता है उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, और आपके पास जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम तो होता है,
लेकिन आपके पास रैंडम अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से ये इनका स्ट्रक्चर मोर बिहेव लाइक लिक्विड। इसलिए अमोर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इसमें ग्लास और रबर बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज इट सेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। जी, ये एक आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है कि आप हर क्रिस्टल में एक डेफिनेट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, और आप क्रिस्टल को एक पार्टिकुलर प्लेन से ही ब्रेक कर सकते हैं, नॉट इन एनी अदर प्लेन। सो क्लीवेज के का ये जो ब्रेकेज है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, तो और जो प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और क्लीवेज भी इस लिहाज से एक एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। माइक्रो क्रिस्टल जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल शीट्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इन शीट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ पैरेलल टू देयर लेंथ्स, तो ये भी आपके पास डायरेक्शन डिपेंडेंट होंगे। द क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम अटोमिक रेशो, यानी जो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे उनकी सेम अटोमिक रेशो होगी। अभी आपने देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बट ये नंबर ऑफ एटम्स पर, साइज पर और उनके कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करती है। तो जो सब्सटेंसेस सेम नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं, सेम अटोमिक रेशो है, उनका सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और वो आइसोमॉर्फस होंगी। लाइक आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन 113 के साथ है, तो इनका सेम ही स्ट्रक्चर है रोमबोहेड्रल। इस तरह आप कोई भी और एग्जांपल देख सकते हैं जो आपने भी पीछे आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक में देखा। नाइन्थ है जी, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज गिवन बाय द एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड कंपाउंड्स शोइंग वॉल्यूमॉर्फिज्म। कि हमने भी देखा कि डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के लिए हम एलोट्रोपिक फॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करते हैं अगर वो एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाए, और कंपाउंड्स के लिए हम पॉलीमॉर्फस फॉर्म की बात करते हैं। तो दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल करें, यानी आपके पास वो टेम्परेचर जिसमें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाए उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपके पास सब्सटेंसेस के लिए भी यूज़ होता है, नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ नहीं होगा जो वन फॉर्म में है, उनके लिए यूज़ होगा जो एक से ज़्यादा हालत रखती हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एलिमेंट्स का भी होता है जो एलोट्रॉपी शो करते हैं, और कंपाउंड्स का भी होता है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं और एक से ज़्यादा हालतों में पाए जाते हैं। आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर के टॉपिक में देखा कि हमने टिन की बात की, हमने पोटाशियम नाइट्रेट की बात की, तो पोटाशियम नाइट्रेट कंपाउंड है और टिन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट की का फेनोमेना एलोट्रॉपी है, कंपाउंड का फेनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, 10th पार्ट 1 ऑफ द यूनिट सेल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज 120 डिग्री। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि एक एंगल 120 का है जो कि हमारे इस हेक्सागोन शेप के इनसाइड में मौजूद है, तो आप इसमें शेप बनाकर वो एंगल टेक्निकली शो कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4, एंड इसमें जो जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं आपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।